आवास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री बिहार का हम स्वागत करते हैं संपूर्ण विभाग की ओर से। इस कार्यक्रम में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय उप मुख्यमंत्री एवं हमारे विभाग के मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी का हम स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव श्री चैतन्य प्रसाद जी, परिवहन सचिव श्री संजय अग्रवाल जी, PCCF श्री DK शुक्ला जी, वर्ल्ड बैंक की तरफ से आए हुए जस्टिन, PCCF चौधरी जी, PRC के कमांडेंट ब्रिगेडियर JS पैसला जी, बिहार एंड उड़ीसा सब एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे कर्नल परमार और यहाँ उपस्थित हमारे SSP यूनिट्स के कमांडेंट, SSP फ्रंटियर हेडक्वार्टर के DIG, आज इस कार्यक्रम में जो लोग पुरस्कृत हो रहे हैं जिन्होंने पर्यावरण एवं वन विभाग वाइल्ड लाइफ के लिए अच्छा काम किया है वो सभी हमारे NCC के बच्चे, मीडिया के बंधुओं और हमारे सभी आगत अतिथिगण जो आज इस सभागार में उपस्थित हैं, हम पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन ये कुछ वर्षों पहले तक ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि ये किसी सुदूर भविष्य की घटना है, लेकिन आज दो चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। पहला ये कि ये कोई सुदूर भविष्य की घटना नहीं है, हम अपने इसी जनरेशन में जितने लोग यहाँ बैठे हैं हम अपने ही जनरेशन में अपने ही जीवन काल में हम इसका इफेक्ट देख पा रहे हैं और देख पाएंगे। और दूसरा यह कि ये एक ऐसी चीज़ भी नहीं है जो कि किसी एक व्यक्ति, एक विभाग या किसी एक खास वर्ग के लोगों के द्वारा इसको रोका जा सकता है। इसको रोकने की जवाबदेही और इसको रोकने में भूमिका हम सभी की है, हम सभी आमजनों की है। एक छोटी सी चीज़ की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अभी दो दिन पहले के एक अंग्रेजी समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइंस थी जिसमें ये था कि दुनिया के जो 15 हॉटेस्ट प्लेस हैं, सबसे गर्म जगह हैं, उनमें से 10 भारतवर्ष में हैं और जो शेष 5 हैं वो पाकिस्तान में हैं। यानी पूरे विश्व के जो सबसे 15 सबसे गर्म जगह हैं वो भारतवर्ष और पाकिस्तान में हैं। और अगर आप ये देखेंगे तो पॉपुलेशन के हिसाब से भी ये दोनों ऐसे देश हैं जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। और इसके अलावा अगर वन क्षेत्र का भी देखेंगे तो भारतवर्ष में वन क्षेत्र केवल 21-22% के लगभग है और पाकिस्तान में यह वन क्षेत्र का प्रतिशत लगभग बहुत ही कम, केवल 5-6% के बीच में है। तो इसका कहीं ना कहीं एक सीधा संबंध है। अगर हम पेड़ों की संख्या के बारे में देखें तो जो ज़्यादा जनसंख्या वाले देश हैं उनमें से सबसे कम पेड़ प्रति व्यक्ति भारतवर्ष में है। भारतवर्ष में पेड़ प्रति व्यक्ति मात्र 28 है, जबकि कुछ देश ऐसे हैं जैसे कनाडा जहाँ पे 9000 पेड़ प्रति व्यक्ति हैं। यह सही है कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, उतनी टेरिटरी की तुलना में हमारे पास वन क्षेत्र लगाने के लिए या पेड़ लगाने के लिए उतनी जगह नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम दूसरे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश को देखें, चाइना की ओर, तो चाइना में भी 102 पेड़ प्रति व्यक्ति हैं और चाइना में कुल पेड़ों की संख्या जो करीब 14,400 करोड़ है जिसकी तुलना में भारत में कुल पेड़ों की संख्या मात्र 3500 करोड़ है। ये आंकड़े केवल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये हम सब की जवाबदेही है, न केवल पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए और पेड़ लगाने की, बल्कि जो भी पेड़ हैं अभी लगे हुए उन सभी को बचाने की जवाबदेही भी हम सभी की है। और केवल पेड़ ही एकमात्र पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि उसके लिए कचरे का प्रबंधन, प्लास्टिक का कम उपयोग, जल का अच्छा उपयोग, ये सभी चीज़ें जरूरी हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी का पुनः आज के इस कार्यक्रम में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।